गरीब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के ड्रीम आईफा अवार्ड पर कोरोना वायरस का ग्रहण लगता नजर आ रहा है। आईफा अवार्ड का आयोजन इंदौर और भोपाल में होना था, अब ये आयोजन बाद में कभी होगा। दुनिया के बड़े हिस्से में फैल चुके जानलेवा कोरोना वायरस का प्रभाव फिल्म उद्योग पर भी पड़ा है। 21 मार्च को भोपाल में व 27-29 मार्च को इंदौर में पहली बार आयोजित होने वाले इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड समारोह टल गया है। इनकी नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में आईफा अवार्ड को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। हाल ही में आईफा में नॉमिनेट होने वाले फिल्मों की घोषणाएं की गई है। इसके साथ ही इसका इन्विटेशन भी सामने आया था। सूत्र बताते हैं कोरोना से ज्यादा कांग्रेस सरकार के भीतर की राजनीति भी इसके लिए जिम्मेदार है। अधिकांश कांग्रेस नेता भी दबी जुबान में इसे मध्य प्रदेश पर जवरिया बोझ बता रहे हैं। इधर इस मसले पर मुख्यमंत्री कमलनाथ भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दुनिया भर के कलाकारों को इकट्ठा करके करोड़ों और अरबों रुपए उस पर खर्च कर रही है, वही किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा, तो मध्य प्रदेश में हाहाकार था जनता के प्रति। इसलिए राजनीतिक कोरोना वायरस मध्य प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। सरकार ने अपनी नाक बचाने के लिए नाम कुछ भी लिया हो कि फलाने वायरस के कारण हमने ये जो है आईफा अवार्ड को निरस्त किया है, बल्कि ये राजनीति का जो आईफा अवार्ड चल रहा है इस समय मध्य प्रदेश में, उसके कारण हुआ है। और इसके लिए मैं सरदार हरदीप सिंह डंग साहब को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है त्याग पत्र की, उसके कारण राजनीति में कई आईफा अवार्ड अब कोरोना वायरस की तरह निरस्त होंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ आईफा के जरिए मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की बात कर रहे थे। वे भूल गए थे कि उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले ही मध्य प्रदेश की देश दुनिया में पहचान है। इस कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से जुटी हुई थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।